कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का वीडियो वायरल। लुगाई से वो खिंचवा रहा है फोटो, मेरी फोटो क्या कर लेगी, मेरा सीएम नहीं कर सकता। तू जा, तू बाहर आ, पहले मेरे फोन भी उठा था। ओ मैडम तू ज्यादा ज्यादा रुचि आ जाओ, रुचि आ जाओ। द्वाराहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के घर पर गाली गलौज करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में कांग्रेस विधायक निदेशक के परिजनों से भिड़ते नजर आ रहे हैं। मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर दी गई। इस मामले में दोनों पक्षों का क्या कहना है, सुनिए। हमारे एक पीछे यही गाँव में नारायण सिंह रावत रहते हैं, क्योंकि वो पहले भी मेरे पास आए थे, तो मैं उनका नाम जानता हूँ और उनका नंबर मेरे पास सेव था, क्योंकि इसी गांव के रहने वाले हैं। तो वो आए थे, उनके नंबर से मेरे पास एक कॉल आया, उसमें उन्होंने कहा कि माननीय विधायक आपसे बात करना चाहता, ठीक है बात करवाइए। तो उसके बाद विधायक जी का कॉल आया, विधायक जी ने बात करनी शुरू करी, मैंने विधायक जी को नमस्कार प्रणाम कहा। उसके बाद विधायक जी ने जो भी कहा वो सब ऑडियो क्लिप में आपको मैं दे दूँगा। उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसमें, उस ऑडियो क्लिप में बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का, शायद एक माननीय व्यक्ति से शायद उस भाषा का की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, उस अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। मेरी बेटी भी पास में बैठी हुई पढ़ रही थी, और चूंकि मैं उसमें कुछ बोला भी नहीं, मैंने केवल सुनते रहा। उसके बाद मैंने फ़ोन को रख दिया, काट दिया। उसके पश्चात थोड़ी देर के बाद विधायक जी अपने कुछ साथियों को लेकर के मेरे आवास में आ गए, और बाहर से ही उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया गेट के बाहर से। और उसके बाद अंदर आए, अंदर आकर के जिसमें नारायण रावत थे, एक और कोई दीपक कोई थे, और ये तीन चार लोग यहाँ पर आए। इन्होंने यहाँ पर बहुत बुरी बुरी गालियां, शायद मैंने अपने जीवन में इतनी गालियां कभी न तो सुनी थी न कभी सुनी भी नहीं थी, मतलब इस तरीके की जो अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ पर बगल में हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पर हमारे छात्राएं रहती हैं। इसके बाद मेरी बेटी अंदर थी 15 साल की, मेरी वाइफ अंदर थी, उसके बावजूद वो बिल्कुल भी, मैंने उनसे कहा भी कि मेरी बेटी अंदर है, रो रहे हैं वो लोग, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माने और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो मेरे पास डायरेक्टर का नंबर भी नहीं था, मेरे साथ मेरे जिला का अध्यक्ष नारायण रावत भी मेरे साथ थे, उन्होंने डायरेक्टर का नंबर अपने ही फोन से मिलाया। अपने फोन से मिलाने के बावजूद मैंने कहा, उन्होंने कहा लो विधायक जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद में इनका फोन, मैंने ये भी कहा और भी रिश्तेदार क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो, तो इतनी देर में फोन कट गया। फोन कटा तो फिर मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी अफसर को मिलाता हूँ या किसी दूसरे को मिलाता हूँ तो मैं अपने फोन से फोन मिलाता हूँ, किसी का दूसरे का फोन यूज नहीं करता। तो उस फोन को मैंने किया तो मैंने कम से कम छह या सात कॉल करी होंगी मुझे याद है, लेकिन डायरेक्टर साहब ने जो है वो अपना फोन उठाया नहीं। तो मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने कि चलो ये रिश्तेदार एक दिन मेरे से कह रहे थे कि भाई आप तो हमारे रिश्ते में आते हो, तो मैंने कि मैं रिश्तेदार है तो मैं देख लेता हूँ घर पे आके। अब जब मैं घर पे गया, मैंने कि भाई क्या हाल है, दरवाजा तो खोलो भाई, इन्होंने दरवाजा खोला नहीं। जब दरवाजा नहीं खोला तो उसके बाद में मैंने इनसे कई बार कहा, मैंने कि भाई दरवाजा तो खोल दो, मैंने आपसे बात करनी है। तो उसके फलस्वरूप इन्होंने जो है इतना कहा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अब मैं विधायक भाई प्रोटोकॉल के नाते अब गेट लॉस्ट में किसी के घर पे जाता हूँ, वो मुझे गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर कहे तो ये तो बड़ा, हमें भी बड़ी शर्मिंदगी आती है। तो यदि एक कर्मचारी वर्ग का आदमी, क्या है प्रिंसिपल, क्या डायरेक्टर किस रैंक का होता है, हम नहीं जानते हैं, चाहे कोई चपरासी भी हो, कोई भी पद पे आसीन हो, वो गेट लॉस्ट नहीं कह सकता किसी विधायक को, ये तो अवेलना है। इसको तो मैं विशेषाधिकार उसमें अगले सत्र में, जो जब ये दिसंबर में सत्र होगा, मैं विशेषकर हनन में इसको लगाऊंगा। कार्रवाई तहरीज में यदि ये माफी मांगेगा, सॉरी फील करेगा, तब तो मैं माफ करूंगा, वरना मैं 15 दिन के बाद मैं धरना एक प्रदर्शन करके, मैं भूख हड़ताल, मेरे कार्यकर्ताओं में 200 कार्यकर्ताओं के साथ 250 कार्यकर्ताओं के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पे बैठूंगा, चाहे मुझे आमरण अनशन करना भी पड़े। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक जी को अपने गुस्से पर संयम रखना चाहिए था, और अगर उनको निदेशक से कोई शिकायत भी थी तो वो अपनी शिकायत जिम्मेदार लोगों
और सीएम धामी से कर सकते हैं। से घर में घुसकर गाली गलौज करना सरासर गलत है। वहीं अब इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कार्रवाई की मांग पर अड़ गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।